जा रहा है। 16वीं विधानसभा का ये पहला सत्र होने जा रहा है। और ठीक है शशि, वो आऊंगी आपके पास, लेकिन भरतपुर से सीधी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो आप उन्हें यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रही हैं। कई कार्यक्रम ऐसे जिसमें सीएम शिरकत कर रहे हैं और आज की जो दिन भर की बेहद खूबसूरत तस्वीरें रही हैं, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले में पहुंचे हैं और भरतपुर से लाइव तस्वीरें देखिए, उनसे मिलने के लिए किस तरीके से उनके समर्थकों का, पार्टी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। एक एक करके तमाम जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। मंच पर सीएम यहां पर मौजूद हैं और बुके भेंट करके, उन्हें शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। देवेंद्र, तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम मंच पर मौजूद हैं, उनसे मिलने वालों का भी तांता लगा हुआ है, ये क्या कुछ कार्यक्रम यहां पर नजर आ रहा है? देखिए, सर्किट हाउस के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। भरतपुर पहुंचने पर उनका पहले जो ब्रह्म कुमारी है उन्होंने लगाकर स्वागत किया और जो मंच पर पहुंचे तो सीएम ने सभी का हाथ जोड़ के अभिवादन किया और लगातार उनके स्वागत का कार्यक्रम में जो सीनियर अधिवक्ता है धर्मगोपाल चतुर्वेदी उनके द्वारा स्वागत किया गया, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, सैनिक समाज के लोग हैं, गुजर समाज के लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन और विभिन्न राजनीतिक दलों के भाजपा के जो कार्यकर्ता है सीनियर उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की जो बिना लगातार लोग उनके साथ सेल्फी लेने का उनको बड़ा क्रेज है, लोग हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है और अलग अलग तरीके से उनका स्वागत और सत्कार यहाँ पर चल रहा है और लगातार ये कार्यक्रम चलने वाला है। उनके साथ मंच पर जो भाजपा के विधायक है डॉक्टर शैलेश सिंह, नौचंद चौधरी, पूर्व विधायक विजय बंसल, गिरधारी तिवारी, कुंवर दीपराज सिंह, तमाम वो लोग मौजूद है। बीजेपी के जो कार्य पदाधिकारियों की बात करें तो मुकेश दादी मौजूद है, श्रवण बागड़ी मौजूद है, तमाम वो लोग हैं जो मंच पर मौजूद हैं। हर कोई सीएम के साथ अपनी तस्वीरें कैद करना चाहता है और सीएम लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीएम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ के साथ देवेंद्र, देखिए कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री ने शिरकत की है और सबसे खास जो है इंतजार सभी को है कि जब गिरिराज जी पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो वो कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर कितना डिले चल रहा है, उसके लिए कब यहाँ से सीएम निकलेंगे? अपने निर्धारित कार्यक्रम से सीएम 3 से 4 घंटे देरी से चल रहे हैं क्योंकि उनके स्वागत के लिए लगता था कि 34 जगह स्वागत, लेकिन उनका 80 से अधिक जगह स्वागत हुआ और अभी भी स्वागत का कार्यक्रम लगातार जारी है और अब बड़ी माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम लोग, हर कोई सीएम का स्वागत करना चाहता है और ये परंपरा लगातार चल रही है, लगातार लोग उनका स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं और हर कोई सीएम के स्वागत के लिए यहाँ पर आया हुआ है और सीएम को यहाँ से गिरिराज गोवर्धन भी जाना है, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गोवर्धन में जो गिरिराज जी के जो पटे हैं वो शाम को शयनार्थी, अगर अभी तो क्या रास्ते में भरतपुर से जब कुमेर जाएंगे और कुमेर से सेट जाएंगे गोवर्धन पहुंचेंगे तो रास्ते में भी स्वागत के कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही है कि सीएम रात्रि को या रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी है, इसको लेकर भी प्रशासन ने व्यवस्था की। हालांकि ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन किस तरीके से लगातार जो समय में देरी हुई है, जो उनको पहुंचना था वो निर्धारित कार्यक्रम से देरी से चल रहे हैं, जिस तरह के स्वागत के कार्यक्रम उनके हुए वो बड़ी संख्या में है और सीएम लगातार यहाँ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए सांसद भी यहाँ पर, रंजिता कौली भी मौजूद है, तमाम आसपास के क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायकगण जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है इस तरीके से स्वागत सत्कार की तस्वीरें सामने आ रही है और जितनी उम्मीद थी उससे भी कई जगहों पर, ज्यादा जगहों पर स्वागत सत्कार किया गया है और उसी के चलते कहीं ना कहीं सीएम के कार्यक्रम में भी देरी हो रही है। और देवेंद्र, तस्वीरें जो है वो मंच की हम देख पा रहे हैं, यहां पर क्या सीएम का संबोधन भी होने जा रहा है? देखिए, पोडियम लगाया गया है, निश्चित रूप से सीएम अपने कार्यकर्ताओं को और जो समर्थक है उनको संबोधित करेंगे, इस तरह की चीजें, लेकिन ये अभी तय नहीं है, लेकिन क्योंकि मंच पे सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई है, लोगों का मिलने का सिलसिला उनसे लगातार अभी भी जारी है और जब वो लोगों से मुलाकात कर लेंगे और बैठेंगे तब उसके बाद में पता चलेगा कि वो संबोधित करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोग उनसे लगातार मिल रहे हैं अभी तक उनसे मिलने का सिलसिला और वो जारी है और उनके पहले जैसे घर पे गए थे, घर पे जिस तरह जनसेना उमड़ा और
लगातार वो आप यहाँ मंच पे बैठ गए हैं, सोफे पर बैठ गए हैं और लगातार जो पार्टी के पदाधिकारी है, मुकेश जाधव की बात करें, सोमनाथ शर्मा की बात करें, तरुण बागड़ी की बात करें, तमाम उन लोगों से संवाद कर रहे हैं और किस क्या संबोधन करना है नहीं करना है उसको लेकर चर्चा हो रही है। और सीएम वापस बिना संबोधन के मंच से वापस सर्किट हाउस में जा रहे हैं, तो लगता है कि वो यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद में हो सकता है कि उनका जो गिरिराज गोवर्धन का कार्यक्रम है यहाँ से, क्योंकि आने में काफी देर हो गई थी, उनकी जल्दी बताया जा रहा है कि वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कार्यक्रम में देरी की वजह से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया है, एक एक करके सभी से बुके फूलमालाएं जो हैं वो स्वीकार किया, जो शॉल उड़ाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वीकार करते, उनका अभिनंदन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम में भी देरी है। वैसे तो मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था, मेरा कार्यक्रम 2 बजे था गिरिराज पहुंचने का, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से जिस गर्म जोशी के साथ सीएम का संबोधन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी व्यवस्था आप सभी ने बनाई है उसके लिए धन्यवाद। अभी गिरिराज जी के दर्शन होने 9 बजे बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं गिरिराज जी निकलूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कार्यकर्ता जो है वो लंबे इंतजार से यहाँ पर खड़े थे उनके स्वागत सत्कार के लिए, तो उनका मन भी रखा है, सीएम ने संबोधन भी किया, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। और जैसा कि लगातार यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सीएम का कार्यक्रम जो है स्वागत सत्कार की वजह से डीले चल रहा है, तो ऐसे में गोवर्धन जी निकलने के लिए उन्हें देरी हो रही थी, संबोधन भी किया और फिर उसके बाद यहाँ से अब वो रवाना हुए हैं। प्रस्थान उन्होंने किया है, गोवर्धन जी पहुंचेंगे वहां पर, गिरिराज जी के दर्शन करके पूजा अर्चना करेंगे उनकी। आपको बता दें कि सीएम बजराज शर्मा जो है वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनमें बड़ी आस्था है उनकी। बताया जाता है कि हर महीने वो गिरिराज जी जाते हैं, वहां पर परिक्रमा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में अब जब उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूरे प्रदेश की, तो ऐसे में गोवर्धन जी पहुंचकर उनके दर्शन करना यहाँ पर और साथ में उनसे आशीर्वाद लेना, ताकि कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद सरल स्वभाव के, जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए एक सामान्य कार्यकर्ता, और इसीलिए खासतौर पर तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि सीएम एक एक करके हर एक जन से मिलते हैं जो भी उनके लिए वहां पर मिलने के लिए आते हैं, उनके स्वागत के लिए आते हैं, और इसीलिए कार्यक्रम में देरी भी होती हुई नजर आ रही है। हर जगह भव्य स्वागत उनका किया गया, कहीं पर पुष्प वर्षा। और एक और खास तस्वीर देखने को मिली जहां पर चाय की थड़ी पर खुद सीएम रुके, उन्होंने चाय बनाई और फिर चाय की चुस्कियां लेते भी कार्यकर्ताओं के साथ में वो नजर आए। उन्होंने जो वहां पर चाय बना रहे थे उनके पैर भी छुए, उनसे आशीर्वाद भी लिया। तो ये एक छवि जो है सामान्य कार्यकर्ता की, एक आम आदमी की, वो सीएम बजराज शर्मा जो है वो दर्शाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। जनता के लिए बेहद खास वो तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि आमजन और उनसे जुड़ाव जो है वो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के जैसा एक व्यक्ति जो कि अब प्रदेश का मुखिया बना है, तो ऐसे में वो आमजन की हर एक जरूरत का ख्याल रखेगा, उनकी हर एक पीड़ा को समझेगा, ये उम्मीद जो है वो जनता की और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए राजस्थान की जनता जो है वो अब इस भाजपा सरकार से काफी सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात रोजगार की हो या फिर भ्रष्टाचार की हो, वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी सत्ता में आई है, उन बेरोजगारी से, उस भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलेगी, उसको लेकर राजस्थान की जनता जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, सेना जो है वो तैयार नहीं हो पाई है, उसमें अभी कुछ वक्त है, तो उसी का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले सीएम का जरूर भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। काफिला सीएम का आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से फूल मालाओं से सीएम का जो वाहन है वो अड्डा पड़ा है, कार्यकर्ता
उनमें होड़ मची है अपने नए मुखिया से मिलने के लिए, और अब तक जो उनके बीच में रहा करते थे सबारे कार्यकर्ता के तौर पर, सालों से उन्होंने सेवा की, पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया, और अब जब उन्हें प्रदेश के मुखिया के तौर पर नियुक्त किया गया है, प्रदेश के मुखिया बने हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है और उसी का सम्मान रखते हुए उनकी कोशिश है, बातचीत भी करने की कोशिश उनसे की जा रही है। कार्यकर्ताओं के इसलिए कल से थोड़ा लेट हुआ और अभी गिरिराज जी पहुँच चुके हैं, जो कि दर्शन बंद हो जाएंगे तो गिरिराज जी के लिए गिरिराज जी की शुभकामनाएं हमारे गिरिराज महाराज को लेकर। लेकिन भरतपुर में जो एस आई टी आपने गठित की, भरतपुर से जिस तरीके से पेपर लीक और तमाम चीजें रही, आगे आगे देखते जाइए, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो रहा है सर बता देंगे आप, हम जब बैठा बिहार को तो देखिए यहाँ पर भी उन्होंने एक ही बात कही कि गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, पट बंद हो जाएंगे और इसलिए उन्हें जल्दी जाना है। साथ में उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है, भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति राजस्थान की जनता को दिलाई जाए।